हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा अध्ययन करके अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी आशा की जाती है। आज की जो ऑनलाइन वीडियो क्लास है, उसके अंदर अपन देखते हैं टार्टरिक एसिड। और कल की जो ऑनलाइन क्लास थी सेकेंड ईयर की, उसमें अपन ने पढ़ा था टार्टरिक एसिड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे। वहां पर आपने देखा कि डी फॉर्म, एल फॉर्म, मेजो फॉर्म और डीएल रेसेमिक मिश्रण। तो वहां पर आपने देखा कि डी और एल फॉर्म है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, मेजो और रेसेमिक मिक्सर है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। जो मिजो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है उसकी, वो इंटरनल कंपेंसेशन के कारण से है। और जो रेसेमिक मिक्सर है उसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है वो एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण से है। इस तरीके से यहाँ पर अपने को टार्टरिक एसिड के चार फॉर्म डी, एल, मिजो और रेसेमिक मिश्रण अपने को इनका कल अपन ने स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में उसी टार्टरिक एसिड को कंटिन्यू रखते हुए अपन देखते हैं कि टार्टरिक एसिड के जो विभिन्न फॉर्म्स हैं उनको अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टार्टरिक एसिड है वो जैसे जूस, ग्रेप्स के जूस हैं उससे अपने को मिलता है, आलू बुखारे हैं उनसे, प्लम्स हैं उनसे, इमली है उनसे, इनसे, इनमें टार्टरिक एसिड है वो पोटेशियम टार्टरेट के रूप में पाया जाता है। तो अपन ये जो इस तरीके से जो जो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स वगैरह, इनसे भी अपन टार्टरिक एसिड है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे प्लस टार्टरिक एसिड, माइनस टार्टरिक एसिड, मिजो टार्टरिक एसिड और जो रेसेमिक मिश्रण है वो अपन किस किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन उनके स्टडी करते हैं और उसके द्वारा अपन देखते हैं कि टार्टरिक एसिड को अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डी टार्टरिक एसिड। डी टार्टरिक एसिड है वो देखिए अपन यहां पर जो ग्रेप्स का जूस है, उस ग्रेप्स का जूस का अपन किण्वन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं और यहां पर किण्वन से एक लाल भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। और ये जो लाल भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है इसको अपन बोलते हैं ऑर्गोल। इसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्गोल। तो ये जो ऑर्गोल है उससे अपन प्लस टार्टरिक एसिड प्राप्त करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जो ऑर्गोल है उस ऑर्गोल में मेनली पोटेशियम टार्टरेट होता है। इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम टार्टरेट। तो ऑर्गोल में पोटेशियम टार्टरेट होता है। तो यहां पर इस ऑर्गोल से जिसका मुख्य घटक है वो पोटेशियम टार्टरेट है, उससे अपन डी टार्टरिक एसिड है वो प्राप्त करते हैं। और इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि जैसे सी ओ एच, सी ओ ओ एच और सी एच ओ एच, सी ओ ओ के, पोटेशियम टार्टरेट। जो पोटेशियम टार्टरेट है, जो ऑर्गोल है, उसको अपन हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं। और हॉट वाटर में डिजोल्व करके
इसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर अपन हॉट वाटर और इसकी रिएक्शन है वो अपन किससे करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो यहां पर दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, इस तरीके से कैल्शियम लवण और यहां इस तरीके से ये CH, OH, COH और यहां पर ये COH, यहां पर अपने को पोटेशियम लवण, इस तरीके से यहां पर दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। यहां पर ये जो है HCOH जिसको अपन बोलेंगे पोटेशियम टार्ट्रेट, तो पोटेशियम टार्ट्रेट है ये तो एक रेजिड्यू के रूप में रहता है, ये एक अवक्षेप के रूप में रहता है, और ये जो है वो फिल्ट्रेट के रूप में, फिल्ट्रेट के रूप में, ये प्रिसिपिटेट के रूप में। तो जैसे मान लीजिए ये प्राप्त हुआ ना, ये तो ये विलयन होगा, इस विलयन को अपन फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करेंगे तो जो कैल्शियम टार्ट्रेट है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो पोटेशियम टार्ट्रेट है वो एज ए लिक्विड के रूप में विलयन में रहेगा। तो यहां पर ये जो है इस तरीके से अपन करेंगे ना यहां पर, तो यहां पर नीचे है वो तो कौन आ जाएगा, पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहां पर जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा कैल्शियम टार्ट्रेट। ठीक है, अब यहां पर दो प्रकार के लवण हो गए, एक कैल्शियम लवण और एक पोटेशियम लवण। ठीक, यहां पर आप देखेंगे कि ये तो है ही है कैल्शियम लवण, अब ये जो पोटेशियम लवण है इस पोटेशियम लवण को भी अपन कैल्शियम लवण में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, तो यहां पर HCOH CO कैल्शियम, यहां पर ये कैल्शियम यहां पर, और इसके साथ ही यहां पर निकल जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो वापस अपने को कैल्शियम टार्ट्रेट का वापस अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए ये तो कैल्शियम का अवक्षेप है ही है, और ये किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल करके इस पोटेशियम का जो साल्ट है उस पोटेशियम की साल्ट को वापस अपन किस में चेंज कर लेते हैं, कैल्शियम में चेंज कर लेते हैं। और यहां अपन कैल्शियम में चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से ये यहां पर ये प्राप्त होगा। अब देखो अपन ये वाला पार्ट है ये तो अवक्षेप के रूप में है, इसको ले लेंगे, और ये वाला पार्ट है इसको भी अपन फिल्टर करके ये भी अवक्षेप के रूप में आ जाएगा, इसको ले लेंगे। तो दोनों जो कैल्शियम कैल्शियम लवण है उन दोनों को अपन सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करके यहां पर थर्ड, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। तो यहां पर HCOH यहां पर CO कैल्शियम। ठीक है, और यहां पर इसको अपन कंसंट्रेट जो एस्ट्रोसोफोर है उसके साथ में इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर आ जाएगा HCOH COOH और HCOH और COOH। ठीक है, यहां पर H, ये H+ और H+, और यहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो यहां पर कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है ये एक अवक्षेप के रूप में सेपरेट हो जाता है, जिसको अपन सेपरेट कर लेते हैं,
और सेपरेट करके छान लेते हैं यहां पर, और ये जो टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है यहां पर, ये क्या प्राप्त हो रहा है, टार्ट्रिक एसिड। तो ये जो टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है वो डी प्लस टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो ग्रेप्स का जूस है उसके फ्रेगमेंटेशन से यहां पर ओरगोल प्राप्त होता है, और उस ओरगोल में जो मुख्य घटक होता है वो पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, और पोटेशियम टार्ट्रेट को हॉट वाटर में डिजोल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन यदि उसमें अपन डालते हैं तो वहां पर कैल्शियम लवण और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहां पर जो पोटेशियम लवण है वो फिल्टर पेपर से नीचे निकल जाते हैं, और जो कैल्शियम लवण है वो अवक्षेप के रूप में बाहर होता है। इस पोटेशियम साल्ट को भी अपन कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम साल्ट में बदल लेते हैं, तो यहां पर अपने को दोनों तरफ से अल्टीमेटली कैल्शियम साल्ट प्राप्त होता है, और उस कैल्शियम साल्ट को अपन एस्टोसोफोर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर कैल्शियम सल्फेट है वो अवक्षेप के रूप में सेपरेट हो जाता है, और अपने को यहां पर टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है, विलयन में प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को तो अपन छान करके क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और ये विलयन रहेगा किसका, टार्ट्रिक एसिड का। फिर उस विलयन को अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे, हीट करके उसका क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, हीट करके धीरे धीरे उसको कंसंट्रेट करेंगे, और कंसंट्रेट करके धीरे धीरे जब वो पूरा जो उसमें जो एक्स्ट्रा जो वेपर है, वाटर है, वो सारा उसमें से निकल जाएगा, तो अपने को एक सॉलिड पदार्थ प्राप्त होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। और ये जो टार्ट्रिक एसिड है इसका जो गलनांक है वो 170 डिग्री होता है, और इसके अपने को हॉट वाटर में ही इसका क्रिस्टलाइजेशन करने पर जो टार्ट्रिक एसिड है उसके अपने को क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि डी टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओरगोल के द्वारा टार्ट्रिक एसिड का संश्लेषण कैसे करते हैं, है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरगोल क्या होता है, और उसके बाद में इसका अपन इस तरीके से इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये तो हो गया डी प्लस टार्ट्रिक एसिड। दूसरा अपन देख रहे थे टार्ट्रिक एसिड का दूसरा जो रूप है वो है एल माइनस टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एल माइनस टार्ट्रिक एसिड, एल माइनस टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि जो एल माइनस टार्ट्रिक एसिड है वो नेचर के अंदर नहीं पाया जाता है, प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता है। और जब प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता है तो जैसे यहाँ पर पोटेशियम टार्ट्रेट है वो था प्रकृति के अंदर, तो उससे अपने को डी प्लस टार्ट्रिक एसिड प्राप्त हो रहा है। और जनरली प्रकृति के अंदर जो टार्ट्रिक एसिड है वो डी प्लस फॉर्म में ही पाया जाता है ज्यादातर, एल में बहुत कम पाया जाता है, तो ये एल फॉर्म है वो प्रकृति में पाई नहीं जाती है। तो फिर अपन जो एल टार्ट्रिक एसिड है उसको अपन सिंथेसिस कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेसिमिक मिक्सर होता है तो रेसिमिक मिक्सर है, ये रेसिमिक मिक्सर है, ये एक्चुअल में होता क्या है, डीएल, और क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। और डीएल प्लस माइनस होता है, तो इस रेसिमिक मिक्सर का अपन रिजोल्यूशन करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। रिजोल्यूशन की यहां पर कई टेक्निक्स हैं, जैसे मैकेनिकल मेथड्स है, एक छोटी चिमटी से अपन क्रिस्टलों को अलग अलग कर सकते हैं, बायोकेमिकल मेथड्स है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है, ठीक है। और तो इस तरीके से कई साल्ट फॉर्मेशन मेथड है, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, साल्ट फॉर्मेशन मेथड, बायोकेमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की काफी टेक्निक्स के द्वारा अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर
रिजोल्यूशन करेंगे तो यहां पर डी प्लस टार्ट्रिक एसिड प्लस यहां पर एल माइनस टार्ट्रिक एसिड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर दो प्राप्त होते हैं, एक डी और एक एल। तो डी है उसको अपन सेपरेट कर लेंगे, अलग हो जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, एल टार्ट्रिक एसिड। तो एल टार्ट्रिक एसिड को वैसे तो डायरेक्ट कोई सिंथेसिस की इसकी कोई मेथड नहीं है, इसको अपन जनरली रेसेमिक मिक्सर के द्वारा ही जो एल टार्ट्रिक एसिड है उसको अपन सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपन डी प्लस टार्ट्रिक एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं, एल माइनस टार्ट्रिक एसिड को अपन सिंथेसिस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इन सिंथेसिस की मेथड्स के द्वारा डी एल टार्ट्रिक एसिड है उनका अपन संश्लेषण करते हैं। तो यहां पर ये अब आगे अपन देखते हैं कि किस प्रकार से डीएल टार्ट्रिक एसिड और मीजो टार्ट्रिक एसिड उनका अपन संश्लेषण है वो किन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं, ये अपन आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।